कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे परेड रोड सागर मध्य प्रदेश। सागर का गोपालगंज थाना क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां साते चोरों ने थाना अंतर्गत एक मकान में सेंध लगाते हुए फिर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साते चोरों ने इस बार सूने घर को निशाना बना लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिस घर में वारदात घटित हुई उस परिवार के सदस्य तीर्थ स्थान को गए हुए थे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना अंतर्गत हाल ही में शासकीय कार्यालय में हुई चोरी की वारदात के खुलासे के बाद राहत की सांस ले रही थाना पुलिस की मुश्किलें उस वक्त फिर बढ़ गईं, जब वृंदावन वार्ड के अंतर्गत एक मकान में उसे चोरी की खबर मिली, जिसके बाद उसके होश फिर उड़ गए। इस बार चोरों ने जिस स्थान पर दबिश देकर सेंधमारी लगाई वह रहवासी मकान है, जहां रहने वाले आनंद जैन परिवार से बीते कुछ दिनों से तीर्थ स्थान गए थे। जब वह तीर्थ से लौटे और उन्होंने घर के मुख्य द्वार का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया तो उनकी सांसें फूल गईं। घर के अंदर बने कमरे के दरवाजे खुले थे और अलमारी का सामान तितर बितर मिला, जहां उन्हें किसी अनहोनी का आवाज होने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। इस वारदात में बड़ी मात्रा में घर के अंदर रखा कैश गायब मिला, साथ ही अन्य कीमती सामान भी चोरी जाने की बात सामने आई। पीड़ित परिवार ने तकरीबन 6 लाख की चोरी होने की शिकायत पुलिस से की है, जहां इसके बाद पूरा पुलिस हमला वारदात के खुलासे में जुट गया है। इस मामले में एडिशनल एसपी ने मामले की खुलासे में हर एंगल से जांच की जारी होने की बात कही, जिसके लिए विशेष टीम को भी सक्रिय किया गया। बहरहाल जिस तरह थाना अंतर्गत चोरी की वारदात सामने आ रही है वह गोपालगंज पुलिस की सुस्त गश्त व्यवस्था को दर्शा रही है, जिसके कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं और थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले रहवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां वह भी चिंतित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति जैन है। हम लोग 22 तारीख को महाराष्ट्र तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, वहाँ से 29 तारीख को वापस आए थे रात में। तो रात में देखे सब जगह के ताले डले हुए थे पर अलमारियाँ खुली हुई थी, और जैसे कमरे में ताला खोल के गए तो देखा लॉकर खुला हुआ है, अलमारी खुली टूटी फूटी सी थी और उसमें से सारा सामान गायब था। कोई घर में नहीं था क्या उस वक्त? नहीं, कोई घर में नहीं था, हम सारे घर के लोग गए हुए थे। बाजू में बस एक बिल्डिंग का काम चल रहा है घर का, तो और कोई था ही नहीं। लगभग कितने की चोरी हुई है पूरी टोटल? 6 लाख रुपए कैश और 30 तोला सोना। 60 तोला सोना। ठीक है। आलोक जैन, क्या घटनाक्रम हुआ है? क्या घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम हमारे घर पे चोरी हुई। हम लोग 22 तारीख को जो है यहाँ से तीर्थ यात्रा पे गए थे मेहराज की, जो कि 29 तारीख की रात में वापस आए 11:30 बजे। आए तो पाया कि नीचे की अलमारियाँ खुली हुई थी और मैं अपने रूम में आया तो ताला डला हुआ था, पर जब ताला खोला तो अंदर गए तो अलमारी खुली हुई थी, लाकर खुले हुए थे और सामान जो है पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। तो क्या लगता है आपको कितने की लगभग चोरी की है? लगभग 6 लाख रुपए उसमें नगद थे और लगभग 60 तोला सोना था। कितनी कीमत का? लगभग सोना आज के हिसाब से 30 लाख रुपए का सोना होगा और थोड़ी बहुत चांदी के जेवर थे। क्या लगता है किसी में शक? शक का बाजू में जो काम चल रहा है हमारे घर के बाजू में, वहाँ से आना जाना होता है तो मजदूर लोग काम कर रहे थे, उन पर थोड़ा बहुत शक हो सकता है कि उनमें से किसी ने चोरी ना की हो। उसके बाजू में भी यादव जी का मकान, उनके ऊपर भी किराएदार जो रहते हैं वो भी देखते रहते थे, उन पर भी थोड़ा बहुत शक हो सकता है। तो शिकायत की आपने? हाँ जी, शिकायत जब मैं आया था 11:30 बजे तुरंत चेक किया, चोरी हो गई थी तो तुरंत रिपोर्ट करवाने गोपालगंज थाना गए हुए थे। अंतर्गत जो चोरी हुई है 6 लाख कुछ की, क्या मामला है सर ये? गोपालगंज थाना अंतर्गत अभी एक चोरी का प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि जो पीड़ित परिवार है वो तीर्थ यात्रा के लिए गया हुआ था पिछले 5-6 दिन से, उस दरमियान ही उनके यहाँ एक चोरी की घटना घटित हुई। इस पर पुलिस ने इस घटना पे का प्रकरण कायम करके जो है उसमें जांच की जा रही है। अभी तक क्या जानकारी लगी है, क्या उन्होंने जाहिर किया कितना माल गया है क्या?
नहीं, पुलिस इसमें भी सभी एंगल से जांच कर रही है और उसमें पुलिस जो उपलब्ध सुराग हैं उन पर काम करते हुए आगे काम कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सर क्या कारण है कि हर बार गोपालगंज थाना ही अंतर्गत चोरियाँ हो रही हैं, क्या कमियाँ पाई जा रही हैं? नहीं, अन्य थाना अंतर्गत भी जो प्रकरण सामने आए हैं, साथ ही गोपालगंज में भी आए हैं, उन सबको समग्र रूप में लेके ही जांच की जाती है, जिससे कारण विगत दिनों में कई चोरियों खुलासा गोपालगंज क्षेत्र में भी हुआ है। अब इस प्रकरण में भी अन्य जो एरिया हैं उनमें जिस तरह की चोरियां हुई हैं उनको शामिल करते हुए उनमें जो उपलब्ध सुराग हैं उनको साथ में लेते हुए इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक।